गुरु जी श्री चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आनंद माँ को सत सत प्रणाम, सुरेंद्र को सत सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग, आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है, साधक जुड़ रहे हैं। अभी जुड़े नहीं है, जी माता जी, अभी जुड़ साल रहे हैं। 32वीं हो गई, जुड़े नहीं है उन्होंने। जिन्होंने भी हमारा जो नवरात्र में होने वाला है, अपने बोलवारा मौको मिलेगी अभी बोले हैं। नेट अच्छा अपने अपने अभी यहाँ पे हाँ जी माता जी बोल आ रहे हैं, अभी आ रही है माता जी आ रही है। तो 2 महीना हमारा शिविर तो बाकी बचा है, और जिन्होंने भी नवरात्र का फायदा लेना चाहते हैं, निर्जला फास्टिंग करना चाहते हैं, वो अभी भी समय है। 2 महीना पूरी तरह बॉन्डेड फूड पे रहिए, पूरी आप प्रकृति का भोजन, आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए, दूध दूध से बनी चीजें छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, ये सब त्याग कर दीजिए। निर्जला का अभ्यास करिए। निर्जला मतलब न खाना न पीना, ओनियन एयर, हवा पे रहना है। तो ये पहली बार होने जा रहा है, परम पूज्य सदगुरु बीबी जवान गुरु जी शिविर पहली बार निर्जला शिविर होने जा रहा है। पूरी 30 साल से जो गुरु जी ने उन्होंने जो रसाहार पे रहे, सभी शिविर हुआ है उनका बहुत जगह में, लेकिन अब ऐसे गवर्नमेंट ही होता है। लेकिन इधर जो होने जा रहा है निर्जला शिविर, उसमें उपवास के ऊपर, ड्राई फास्टिंग के ऊपर पहली बार, फर्स्ट बार हो रहा है गुरु जी का। तो इसीलिए हम चाहते हैं ये देवभूमि तपोभूमि जो माँ पार्वती जी का तपोस्थली में होने जा रहा है, और संतों के स्थान पे एक ओरा, एक तरंग है। तो जिन्होंने भी इसका मौका लेना चाहते हैं, तो जैसा हमारा कंडीशन है, 2 महीने अभी भी बची है, गवर्नमेंट फूड पे रहिए और निर्जला का अभ्यास करिए। और यहाँ करा सकते हैं अभ्यास करने के बाद, और जिनको मतलब क्रोनिक डिजीज है, कैंसर है, उनके लिए सुनहरी मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। घर में ऐसे नहीं करने बनता है, एक सामूहिक रूप से करने से अच्छा है, हो जाता है। तो ड्राई फास्टिंग में ही रिजल्ट है, चमत्कार रिजल्ट होती है। तो अगर कोई भी क्रोनिक डिजीज में है, कैंसर में है, या किडनी प्रॉब्लम है, या हार्ट है, तो उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट पे आ जाइए, रसार पे आ जाइए, निर्जला का अभ्यास करिए, और ये मौका मत गवाइए। एक ऐसा ओरा में रहना है, नरहरी भाई पांडे जी आ रहे हैं, हम भी हैं, सुरेश जी हैं, सबके एक अच्छा वातावरण में आप कर पाएंगे, सभी कोई मिलके। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, निशुल्क है शिविर, निशुल्क है। ये भी बात है कि सभी जगह में शिविर में पैसे मतलब पे करना पड़ता है, रहने का, खाने का, पीने का, लेकिन यहाँ सब निशुल्क होती है। तो प्रभु की कृपा है ये, तो आप लोग यहाँ का फायदा उठाने के लिए आप इससे अभ्यास करिए। जी देव धर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम आनंदी महाराज।
जी बोलिए, अभी शायद माता जी डिस्टर्ब प्रणाम जी। मेरा हैं। जी प्रश्न ये हाँ जी देवधर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कभी कभी रोकना मुश्किल हो जाता है दोनों क्या से बोल रहे बात। हैं, हाँ जी उनका माता नाम जी, हाँ समझ नहीं आ रही। कह जी देवदत्त रहे जी, हो अनिल आपकी माता कभी। प्रणाम माता जी। जी प्रणाम। आप मैं बोलो। कह रहा हूँ अनिमा में कभी कभी दो रोका नहीं जाता है, 2 मिनट भी नहीं रोका जाता कई बार। ऐसा कैसे कैसे होता है। तो ये कौन सा सवाल हो गया? ये ना जितना हो पाएगा उतना करिए, मात्रा में लीजिए, 500 ml लीजिए और अभ्यास करिए, हो जाएगा। नहीं रुका जाए तो बैठ ही है, और क्या, इसमें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ज्यादा पानी लेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, अभी अभी सफाई नहीं हुआ है गैस अंदर, तभी आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो को 3 बार में लीजिए, 500 ml 500 ml करके, और उसको प्रेस करिए, ज्यादा मात्रा में मत लीजिए। पहली बार नहीं रुकेगा, दूसरे बार रुकेगा, बैक टू बैक 3 बार होता है, दूसरे या तीसरे बार में रुकेगा ना। ठीक है। हाँ हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी हेमंत जी, हाँ जी हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। समावरीन बोल रहे हैं, जा रहा आवाज। हाँ जी समाज बोलिए। हाँ नमस्ते, नमस्ते। ठीक सब ठीक है? मैं सब बढ़िया है, आप कैसे हो? हम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा। आपकी चेहरा बता रही है, आपका चेहरा चमक आ गया है, आप ठीक दिख रहे हो पहले से। हाँ पहले से बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन जरा से अच्छा खाली आँख में खाली परेशानी है, वो यहाँ भी आ जाएगा, अभी तो 1 साल की तरह हुआ नहीं है बेटा, इसमें समय लगती है, लेकिन काफी आराम आई है आपको आपका चेहरा। आराम तो आई है, बहुत आराम, लेकिन जरा से और बाकी है, और फिर उसके बाद में 3 बार एनीमा लेते हैं दिन भर में। हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्ते। सीमा बोल रहे हैं कि 3 बार एनीमा लेते हैं जी, दिन भर में, जूस चलता है, आते 3 बार उपवास रहता है। हेलो, हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं। और हम रोजा भी रखते हैं, 2 दिन 2 दिन रहता है रोजा में। हम बहुत हाँ अच्छा है, कंटिन्यू 2 दिन रखते हो, कंटिन्यू वाला रखते हो। हाँ हाँ कंटिन्यू वाला कोई बात तो नहीं, आप धीरे धीरे उसको प्रयास बहुत अच्छा, करो, 3 दिन 3 दिन करने की प्रयास करो, 3 दिन, 4 दिन 3 दिन जूस और 3 दिन रोजा करने की प्रयास करो। ठीक है, कर लिए, हाँ हो हम बहुत जाएगा, अच्छा, काफी काफी बहुत ठीक है, अच्छा। काफी।
आपका आशीर्वाद से हम बहुत अच्छा है माता जी। हाँ, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, इतनी हो गया है वो भी हो जाएगा। ऐसे जूस लेना जो ले रहे हो, चबा के ना खाओ, और थोड़ा सा रोजा बढ़ा पाओगे तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है जी। और आज कोई तो उठ सवाल? रहा है ना? हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आनंद जी, माता जी को प्रणाम, और सुरेश भैया और बाकी साथ सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते। अभी अक्टूबर में आश्रम में एक निर्जला शिविर होने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसे में एक दिन का मतलब 36 घंटे का निर्जला फास्टिंग कई बार कर चुका हूँ। मतलब मुश्किल होती है पर उसको हो जाता है कैसे भी करके। अभी पिछली बार मैं 2 दिन पहले 3 दिन का को ट्राई किया था, एक दिन तो अच्छे से हो गया, नेक्स्ट डे शाम को मतलब बहुत वीकनेस लगने लगी, फिर मतलब अल्टीमेटली मुझे जूस के साथ उसे छोड़ना पड़ा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें कई बार कई वीडियो में ये बताया जाता है कि भोजन में या जो भी हम खाते हैं, गॉड मेड है जो भी है, कि जो भी खाते हैं तो उसमें एनर्जी नहीं है, तो जब हम निर्जला करते हैं तो हमें वीकनेस क्यों आती है फिर? क्योंकि अभी भी आपके अंदर में गंदगी है, और आप गॉरमेट फूड में पूरी तरह रहना है, और उसके बाद आपको एनिमा का भी ध्यान देना है, और रसाहार पे रह के उसके बाद अगर हम करते हैं निर्जला तो अच्छी से होती है, लेकिन अगर खा खा कच्चे में भी खाते रहते हैं, आप अगर पका वाला खा रहे हो तभी तो भी नहीं हो पाएगा। पका भोजन छोड़ना है, गवर्नमेंट फूड पे आना है पूरी तरह से, और धीरे धीरे रसाहार पे आना है, और फिर निर्जला का अभ्यास दिन दिन का करना है, तब जाके बढ़िया से होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वैसे वीकनेस आएगी, गंदगी अंदर में है, सफाई नहीं हुई है। हमारा इधर नहीं, सभी लेकिन साधकों जब ने हम कर रहे हैं, निर्जला, 7-7 दिन का निर्जला में है, आज 8 दिन का निर्जला में भी है, कोई 7 दिन का निर्जला में भी है, कोई 5 दिन का निर्जला में है, सभी कर रहे हैं। इधर इधर 22 साधक हैं, उसमें से 15 साधक तो ऐसे ही हैं। वही तो है, सबका अलग अलग अनुभव है। अब हमें जैसा आपने बताया है कि ये निर्जला में तो कुछ कुछ नहीं खाते हैं, पर निर्जला के पहले या उसके बाद में जो जो एक टाइम में कभी कभी जो पका हुआ खाना खा रहे हैं, उसके कारण ज्यादा परेशानी हो सकती है। जब तक वो पका वाला नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक पूरी नहीं हो पाएगा। सही, पका वाला भोजन को पूरी त्याग करना पड़ेगा, वो हमारा आहार नहीं है। हाँ ठीक है माता जी, नमस्कार। जी, हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, रुद्रांश जी, अपने अनम्यूट किया है, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। नमस्ते। हाँ जी नमस्कार माता जी। नमस्ते। हाँ जी माता जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे स्टार्टिंग हमें एनीमा से ही करनी है क्योंकि पहले वाली गंदगी हमें बाहर निकालनी है, तो एनीमा करने के लिए उसके बाद जब पानी अंदर हमने इंसर्ट किया उसको, तो उसको उसके बाद कोई मूवमेंट करनी है, ऐसे लेट जाना है या क्या करना होता है उसके बाद? उसका वीडियो हमने बना रखे हैं, आपने देखे नहीं होंगे, वो एक डेमो करके बताए हैं, और सब चीजें उसको लेने के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेड़ के ऊपर हाथ मलना है, और थोड़ा चलना है, आगे पीछे होना है, ऐसे करके होल्ड करके रखना है, उसके बाद बैठना है। तो ये बता गया है, पेट में हाथ मलना जी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके घुमाना है, हाथ फेरना है।
और थोड़ा चलने भी है। तो हाँ जी तो कितनी बार एनिमा लेना चाहिए दिन में? जैसा आपकी शरीर का बीमारी अगर ज्यादा है, क्रोनिक है, तो उनको एनिमा लेना पड़ता है, लंघन भी ज्यादा करना पड़ता है, जो ना खाना ना पीना समय बढ़ाना पड़ता है। और दिन में सवेरे, अगर क्रोनिक नहीं है तो सवेरे 2 बार, शाम को 2 बार करना है बैक टू बैक। अगर है ज्यादा प्रॉब्लम तो सवेरे 3 बार, शाम को 3 बार, दोपहर को भी 3 बार करना है। हाँ जी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है मेन तो, और जब पानी पीती हूँ उसके बाद भी अच्छे से मतलब नहीं पेट साफ होता, तो उसको एनीमा करने के बाद मैं स्टार्टिंग उठती हूँ तो पानी से ही शुरुआत होती है, जैसे पानी पीती हूँ तो पानी पीना चाहिए एनीमा से पहले, या नुकसान तो नहीं नहीं करेगा ऐसे पीता है सुबह पानी पिया? न्यू डाइट सिस्टम हमारा जो है, इसमें पानी नहीं पीना है। उठते ही पहला अगर नेचुरल कल आता है तो जी करना है, नहीं आ रहा है तो एनिमा करना है, और उसके बाद ना खाना ना पीना, ड्राई फास्टिंग करना है। एनिमा करने के बाद काउंट करना है 8 घंटा। लोगों ने जब जब खाना छोड़ते हैं रात का, तब से 16 आवर्स का काउंट करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। उठने के बाद जब एनिमा ले लेते हैं उसके बाद 8 आवर्स ना खाना ना पीना करना है, यही हमारा सिस्टम है। लेकिन जो लोगों ने रात 8 बजे खाना छोड़ देते हैं, इस टाइप का काउंट करते हैं, फिर दिन का 12 बजे लेना है, ऐसे एक नियम बना दिए हैं, वॉल क्लॉक देख के 12 बजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। जब भी आप रात को 8 बजे भी खाओ कोई बात नहीं, सवेरे आप कितना बजे तक एनिमा शुरू करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उठते ही एनिमा कर लिए 4 बजे, तो 8 घंटा उसमें गिनिए और 12 बजे लीजिए। लेकिन अगर आप 5 बजे एनिमा कर रहे हैं तो उसका 8 घंटा काउंट करिए। इस तरीके से करना है। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो लीजिए पहले, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए और 8 घंटा तक करना है। ठीक जी है जी ना? माता जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अशोक माली। मैं 35 दिन से कर रहा हूँ और टोटली गवर्नमेंट फूड पे ही हूँ, और अभी ये श्रावण चालू हुआ है तो जूस पे रह रहा हूँ, और अगले महीने मैंने टोटल होके 6 निर्जला किए हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम एनिमा लेता हूँ, एनर्जी अच्छी है, और मैं शिविर में वहां पहुंचूंगा। मैंने नाम आज सुरेश भैया को भी मैंने फोन कर दिया था, तो मैंने बोला मैं कि मेरा नाम बुक हो गया है तो मेरे को टिकट का पता चले, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको संडे को जवाब देता हूँ, के बाकी कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, रसाहार पे जैसा कर रहे हैं करिए, और हफ्ते में हाँ 2 दिन निर्जला का अभ्यास करिए। कंटिन्यू वाला हाँ 2 दिन का अगर कर लेंगे तो यहाँ आके अच्छा आराम से फिर कर पाएंगे कंटिन्यू। फिर ठीक अगले है। महीने थोड़ा हफ्ते का 3 दिन का कर लीजिए, फिर जो तीन अच्छा दिन का कर लेता है फिर वो आराम हाँ से 9 दिन का कर लेगा। तो इसके ठीक है लिए माँ, आप थोड़ा अभ्यास कर लीजिए और, है ना? ठीक है माँ। ओ हाँ क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा हमारा, कहीं भी मतलब निर्जला फास्टिंग का कहीं भी शिविर नहीं हुआ है। जहां भी नहीं हो रहा हुआ है, है नींबू पानी का हो रहा है, नहीं तो फल फ्रूट बिल्कुल। का हो रहा है, जूस का, लेकिन निर्जला का नहीं हुआ है, तो ये पहली बार हाँ होने जा रही अच्छा, है। हाँ नहीं जी, कंप्लीट 100% मेरी पूरी तैयारी है, और मैं निर्जला भी कर रहा हूँ, और अभी थोड़ा निर्जले और बढ़ा देता हूँ मैं, हाँ जी, ठीक है माँ? ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है माँ, ठीक। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सुधीर जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो।
हेलो, हाँ जी आ रही बोलिए। आवाज? हाँ जी आ रही है आवाज, हाँ, बोलिए। आनंदी माँ को और सुरेश कुमार जी को नमस्कार मेरा। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मैं मेरे मित्र के लिए पूछ रहा हूँ। उनको ना खुजली जो हो गई है, 6 महीना हो गया है। वो एनडीएस तो अभी फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए किस तरह से शुरुआत की जाए? एनडीएस शुरू कराइए। खुजली स्किन का प्रॉब्लम बहुत लेट में जाती है। अगर इतनी खुजली हो रही है तो आप न्यू डाइट सिस्टम पहला शुरू करा दीजिए, उनको धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे एनीमा जरूर करवाइए, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा का फास्टिंग करवाइए, फिर धीरे धीरे 4 घंटा करवाइए। डिटॉक्स जूस पे खोलिए, करेला खीरा करेला टमाटर जूस पे खोलिए, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा हमारा खून की अशुद्धि के कारण आती है। मतलब हमारा खून ब्लड शुद्ध नहीं है उसकी, तो तभी होती है इतना ज्यादा। और हमारा स्किन सबसे बड़ा किडनी है, मतलब बृहत किडनी बोला जाता है। तो इसी के हमारे स्किन में बहुत सारे होल्स होती है, मतलब रोग होता है जो, वो मतलब उसी के माध्यम से डिटॉक्स होती है बहुत ज्यादा, इसी के माध्यम से, स्किन के माध्यम से। तो आप उसके लिए उनको करवाइए खीरा करेला टमाटर का जूस, पहला जूस दीजिए। और उसके बाद उनको गवर्नमेंट फूड पे रखिए जितना समय रह पाएंगे, फिर धीरे धीरे शाम का भी बंद करिए खाना, एकदम से कर देना अच्छा बात है। नमक नहीं देना है, जिनको भी खुजली होता है स्किन प्रॉब्लम होती है, पहले तो नमक छोड़ देना चाहिए, नमक के कारण भी खुजली होती है ज्यादा, तो इसीलिए नमक बंद कर दीजिए। और उनको अभ्यास करवाइए, हो जाएंगे ठीक। फिर वो मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा का रस रात को, मतलब तो ऑर्गेनिक एलोवेरा अपने घर का पल्प निकाल के उसको मतलब छान लेना है, पीस के छान लेना है, उसका रस निकल जाएगी। उसको मुल्तानी मिट्टी जो पत्थर होती है उसको पाउडर बनाइए घर में, और उसको रात को उसी एलोवेरा का रस और पानी थोड़ा मिला के भिगो के रखिए। और उनको नहाने से पहले वो जहां भी खुजली हो रही है वो सब मतलब लगवा लगवा दीजिए, 2 मिनट रख के उसको घिसिए, फिर उनको मतलब वो नहाए, फिर स्नान करें। तो और रात को भी एलोवेरा का जेल होता है जो पल्प होती है, उसको घिस के सो जाइए, सोने को बोलिए, तो खुजली अपने आप कम हो जाएगी। नारियल तेल का थोड़ा प्रयोग करना। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी राहुल जी। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। सुबह मेरी बात नहीं ठीक थी। वो मैं लिवर सिरोसिस है मुझे, थोड़ा लाउडली जी बोलिए राहुल जी। लिवर सिरोसिस है मुझे, उसके लिए मैंने सुबह बात की थी। वो मैं गन्ने के जूस पे रहता हूँ खाली, तो वो पहला जो ग्रीन जूस लेना है उसमें आंवले डालना पड़ता है। अभी आज मैं कल से लूँगा 4 आंवले, और क्या बोल उसमें डालना पड़ेगा? और क्यों ग्रीन जूस का हेलो, पता नहीं है आपको? इतनी तो वीडियो है सभी चीज का, एंड न्यू डाइट सिस्टम का तो बहुत फेमस जूस है वो। ग्रीन जूस में कोई भी हरी पत्ती जिसका दूध ना निकलता हो, कड़वा ना हो, पत्ती डालना है, आंवला डालना है, पानी थोड़ा डाल के पीस के उसका रस निकालना है, वही हो गया ग्रीन जूस। जौन सा भी फल फ्रूट का जो पत्ते होता है, जो सब्जी खाते हैं उसकी भी पत्ते ले सकते हैं, पीपल का पत्ते है, मैं बरगद का पत्ते है, खड़ी पत्ता, जो भी पत्ता हमको मिलता है जो रीजनल सीजनल है वो पत्ते डालिए, उसमें थोड़ा पानी डाल के पीस के उसका रस निकलवाइए। मुझे मैंने नहीं तो सुना था खीरा कि करेला टमाटर का जूस है वो भी ले सकते हैं। मैंने पहले सुना था वो एक ही जूस पे रहने से जल्दी मोनो जूस पे रहने से ठीक होता है, इसलिए मैं वो सिर्फ गन्ने के जूस मोनो पे जूस रहा। बोल के गन्ने का जूस पे रहोगे ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मीठा जूस है वो, उसमें लिवर सोरायसिस, क्या कोई सोरायसिस ठीक नहीं होगा।
मीठे जूस से कोई फायदा नहीं होता ना सफाई होती है, वो तो हमारा मुंह का स्वाद के लिए हम पी लेते हैं, हमारा सुविधा है, कोई निकाल के दे रहा है पी दे रहे हैं, अपनी मेहनत करके पीना नहीं चाहते। कोई सब्जी है, कोई वेजिटेबल जूस पे ही सफाई होती है ज्यादा अच्छा से, मीठा जूस तो आपका कैसे सफाई करेगा, आपको तो अंदर की गंदगी ही नहीं निकलेगा पहले, तो उसी जूस पे कैसे रह जाओगे आप। मोनो जूस जूस मतलब मैं ज्यादा नहीं लेता, सिर्फ पहला अंदर से खाता मीठा हूँ। जूस लेना पड़ता है, क्योंकि सफाई ने तभी होगी अंदर की गंदगी। डिटॉक्स जूस का मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारे अंदर की जो हमारे फास्टिंग करे, वो फास्टिंग के में जो प्रभु ने हमारा जीवनी शक्ति को समय दिए, उन्होंने जो सफाई करे उनको सहयोग कर रहे हैं निकालने के लिए क्लींजिंग जूस पी के। पहला जूस क्लींजिंग जूस इसीलिए पीते हैं, उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद चाहे लौकी का जूस लो, फिर 2 घंटे बाद लौकी का जूस, तो एक ही लौकी का जूस पे रहो तब भी चलेगा, लेकिन पहला जूस डिटॉक्स जूस लेना ही है आपको। जी राहुल जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मैं कल से वो पहले डिटॉक्स जूस लेके ही लूंगा, जूस और गन्ने का जूस बंद करके कौन सी सब्जी या फिर कौन सा जो जूस होता है वो ले लूंगा, लौकी या फिर दूसरी सब्जी। क्योंकि लिवर सोरासिस जाना इतनी मतलब उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, निर्जला करना पड़ता है, खाली ऐसे रहने से नहीं होगा। धीरे धीरे लंघन को बढ़ाइए और निर्जला का अभ्यास करिए, 1 दिन 2 दिन करिए, नहीं कर पा रहे तो जल पे रहने की प्रयास करिए, वाटर में रहिए, लेकिन फास्टिंग ही इसका ये है कि रिजल्ट आएगी तभी। 1 दिन का निर्जला फास्टिंग 3 दिन का वाटर फास्टिंग के बराबर है, 10 दिन का जूस का बराबर है, तो 1 दिन निर्जला में कितना मतलब फायदा है देखिए, उसको करिए। नहीं कर पा रहे तो कम से कम जल पे रहिए, धीरे धीरे निर्जला पे आइए, तब जाके कोई भी क्रोनिक डिजीजेस जल्दी ठीक होता है। सैटरडे और संडे को रहता है मेरा निर्जला, 2 दिन का लगातार होता है, और ठीक मंडे है, से बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने इसको करिए, 3 दिन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा नहीं होता, मुझे चक्कर आता है इसलिए 2 दिन का ही करता हूँ और धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। जितना आपका शरीर दिखा रहा है उतना करिए, लेकिन मीठा जूस छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, वैसा ही करूँगा, अब गन्ने का जूस बंद करके और सब्जी का जूस ले लूंगा कौन सा। थैंक यू। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, गणेश प्रसाद। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गणेश प्रसाद जी बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी गणेश प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नमस्कार हाँ जी, जी बोलिए। मैं ना पूछना चाहता था मैं ना पूछना चाहता था पैरों में ना सेंसेशन बहुत कम रहती है, कई बार पैर बहुत झटकते हैं। मैंने पहली बार अटेंड किया आपका, उसका कोई सलूशन है आपके पास? आप एनडीएस करिए, न्यू डाइट सिस्टम चैनल है, न्यू एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान बोल के उस चैनल में आप जाइए, उसमें बहुत सारे वीडियो है आप देखिए, उसमें से वहां बताया गया है कैसे करना है। तो सॉल्यूशन इसका सभी रोग का कारण पहला समझिए, रुका हुआ मल, कोई भी बीमारी का नाम हो उसमें हमारे अंदर में गंदगी है, हम अजोग्य आहार खा रहे हैं, जो हमारा आहार नहीं है उसके कारण हमारे अंदर में गंदगी जमा हो गया है, तो उसकी सफाई करिए, गॉडमेड फूड पे रहिए, माँ प्रकृति ने जैसा भोजन दे रहे हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, और एनिमा का प्रयोग करिए, संजीवनी क्रिया, जो पहले डाले हुए अजोग्य आहार उसको सफाई करिए, वो आपको मेडिकल स्टोर पे आपकी मिल जाएगी। मैं सिंपल पानी में डेली नॉर्मल डेली वाटर क्लियर में करता हूँ करना दो है तो बार। उसका सब वीडियो है, आप उस वीडियो देखिए और शुरू कर दीजिए, यूट्यूब में काफी वीडियो है, तो
तो आपका कोई भी चीज सबको धीरे धीरे बढ़िया, सभी रोग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। संजीवनी क्रिया मैं दिन में 2 बार करता हूँ जी, और 1 लीटर 1.5 लीटर पानी की हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है, पेट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। और दिन में खाना फिलहाल एक टाइम ही लेता हूँ, बाकी सारा दिन फ्रूट और सैलेड भी लेता हूँ और जी। मेरे को खाना रूटीन जो करते रहते हुए हो खाना भी छोड़ दीजिए, तभी रिजल्ट आएगा। खाना खाते रहेंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगी। मैं निर्जला एक का टाइम बहुत खाना खा प्रैक्टिस करना है। ओके ओके एक टाइम खाना खाते, फिर का एक टाइम खाना ना खाए ना फिर वीकनेस लगती है बॉडी में ना। वो हमारा अंदर में गंदगी जमा हुआ है, तभी बॉडी में वीकनेस आ रही है। कितने हवा पे यार, ब्रेथिंग में है सब कोई, कितने लोगों ने रसाहार पे रह रहे हैं, किसी को वीकनेस नहीं आ रही है। सभी को अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके अंदर की गंदगी निकल गई है। हम शाम को गंदगी डाल भी रहे हैं और इधर एनिमा भी कर रहे हैं, तो कमजोरी लगेगा ही लगेगा। गंदगी डालना बंद करिए पहला, और डालना बंद निकालना चालू करिए। डालना जो शाम को डाल रहे हैं उसका भी बंद करिए, और निकालना चालू लंघन करिए। ना खाना ना पीना को बढ़ाइए, साथ में क्लींजिंग जूस लीजिए जब ड्राई फास्टिंग खोलते हैं, और उसके बाद एनिमा करिए तो फायदा होगा। खाली दोनों टाइम एनिमा करते रहेंगे,